इसी के साथ करतारपुर में गुरु नानक देव जी के कॉरिडोर का शिलान्यास हो गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अमरिंदर सिंह समेत कई आला नेता मौजूद थे। मैं धन्यवादी है साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये गल पूरी की थी है, और मैं धन्यवादी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब का, इमरान खान जी का, जिन्होंने इसकी सहमति दी है। हालांकि शांति के लिए बड़ी पहल मानी जा रही इस कॉरिडोर को लेकर सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाबा नानक करतारपुर साहिब सड़क गलियारे की आधारशिला कार्यक्रम में पहुंचे पंजाब सरकार के मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बाकी मंत्रियों के नाम पर काला टेप लगा दिया। रंधावा शिला पट्टी पर सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल का नाम लिखे जाने का विरोध कर रहे थे। जो अनऑथोराइज आदमी का नाम लिखा जाएगा वहाँ ऑथोराइज आदमी जो है उनका नाम नहीं आएंगे। मैं उनके नाम पर नहीं, मैंने अपने नाम पर लगाया। मैं उनके नाम पर क्यों लगाऊंगा? मैं दूसरे मैं बिल्कुल, जहाँ प्रकाश सिंह बादल का किसी पार्टी का नाम आएगा वहाँ मेरा नाम बिल्कुल नहीं आएगा। उधर सिद्धू भी लगातार करतारपुर कॉरिडोर में दोनों मुल्कों की सरकार की ओर से की जा रही पहल पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 12 करोड़ नानक नाम लेवा उनकी अरदास कबूल हुई है। मैं खुश हूं और वो 12 करोड़ लोग, उन्हें लगता है कि उनका जीवन सफल हो गया। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती 2019 में मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही करतारपुर साहिब का मुद्दा भारत पाकिस्तान की राजनीति में गरमाया हुआ है।